नाइन टेंथ क्लास, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। अब हम सॉप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। तो ये आप लोगों ने सारे जो मैंने फॉर्मूले वगैरह बताए थे कि इनके फॉर्मूले वगैरह लर्न करके इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके यूजेस आप सबको लर्न करना है, नोट्स की कॉपी में लिखना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब हम सॉप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे कि सॉप क्या होते हैं। सॉप और जनरली मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट और हाईली फैटी एसिड्स के बने होते हैं। ओल्डेस्ट डिटर्जेंट विद सॉप, देर आर लॉन्ग चैन फैटी एसिड, एसिड के लॉन्ग चैन होती है जिसमें C12 से C18 कार्बन एटम होते हैं। सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट के जैसे स्टीरिक एसिड, पैलमिटिक एसिड, ऑयलिक एसिड, ये सब देर आर ऑब्टेंड बाई हीटिंग ऑफ फैटी एसिड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। द रिएक्शन इज नोन एज सफोनिफिकेशन। सॉप्स कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाई हीटिंग फैट एल्डिहाइड एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्सी सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे जैसे हाई फैटी एसिड है तो उसको NaOH के साथ अपन हीट करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेंट हो जाएगा, सॉप प्लस ग्लिसरॉल। ये फॉर्मूले लर्न करने हैं, फैटी एसिड का फॉर्मूला है ये, यहाँ पे ये सॉप है, यहाँ पे R की जगह कितने भी कार्बन चेन आ सकती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमें सॉप मिल जाएंगे। सॉप भी टू टाइप के होते हैं, एक हार्ड सॉप होता है और एक सॉफ्ट सॉप होता है, ठीक है। तो पोटेशियम तो हार्ड और अमंग दिस पोटेशियम सॉफ्ट, जो पोटेशियम होता है जिन सॉप में वो सॉफ्ट होते हैं। दीज आर यूज टू मेक शेविंग क्रीम, शैम्पू वगैरह बनाने काम आते हैं। ग्लिसरीन यूज टू मेक ट्रांसपेरेंट सॉप, और ग्लिसरीन मिला के इनको ट्रांसपेरेंट सॉप बना दिया जाता है। इट दस जनरली क्लियर डैट सोडियम सॉप्स आर जनरली हार्ड इन कंसिस्टेंसी एंड आर नोन एज हार्ड सॉप। जिन सॉप की कंसिस्टेंसी हार्ड होती है वो हार्ड सॉप होते हैं। पोटेशियम सॉप आर मोर एक्सपेंसिव बट प्रोड्यूस ए सॉफ्टर लेदर, आर मोर सॉल्युबल, रेफर टू सॉफ्ट सॉप्स। शेविंग क्रीम, शैम्पू, लिक्विड सॉप, ये पोटेशियम सॉप होते हैं, ज़्यादा ये महंगे होते हैं। सॉप एक्ट एज क्लीजिंग एजेंट इन सॉफ्ट वाटर बट इट डज नॉट वर्क विथ हार्ड वाटर। ये सॉफ्ट वाटर में काम करते हैं लेकिन हार्ड वाटर में ये काम नहीं करते हैं। हार्ड वाटर कंटेंस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, ठीक है। विच सब्सटेंस सोडियम आयन फ्रॉम द सॉप ड्यू टू दिस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड आर फॉर्म्ड, ठीक है। अब डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट का फॉर्मूला, डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये सोडियम एल्काइल सल्फेट होते हैं। डिटर्जेंट का फॉर्मूला है RO SO3 Na+, ठीक है, और सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे शॉप कैसे वर्क करता है, यहाँ पे देखिए मिशेल फॉर्मिंग एंड क्लीजिंग एक्शन विद सॉप, कैसे मिशेल बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये C17H35COONA, ठीक है, ये टूट जाएगा तो जिसका RCOONA RCOO- प्लस Na+, तो ये वाला पॉइंट तो हाइड्रोकार्बन पार्ट हाइड्रोफोबिक और ये पोलर पार्ट हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। तो देखो हाइड्रोफिलिक पार्ट तो बाहर की तरफ रहेगा और हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल अंदर की तरफ रहेगी, जिससे ये चिकनाई के चिपक जाते हैं और इस प्रकार हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो ये डायग्राम तुम्हें लर्न करना है, ग्रीस ऑन क्लोथ, जैसे क्लॉथ के चिपक जाते हैं ऐसे, ठीक है, और इस प्रकार हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ये पहले मेरे को वर्क करके बताइए, इसको लर्न करके बताइए, ये सारे ये जो फॉर्मूले वगैरह हैं इसके, ये ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इनके फॉर्मूले पूछे जाते हैं, यूजेस पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही।